किसान यूनियन तोमर लखनऊ विधानसभा घेराव करेगा, जिसमें अहम मुद्दे उठाए जाएंगे। जैसे ही गन्ने का भाव 450 रुपये क्विंटल किया जाएगा, और अभी एक घोषणा जो हुई है कि मात्र 10,000 जिस किसान पे बकाया बिल होगा उसका कनेक्शन काटा जाए, इस चीज़ को लेकर के। तीसरा, बजाज शुगर मिल जहाँ पर भी है उस पर किसानों का लगभग एक एक साल का बकाया भुगतान चल रहा है। और एक भ्रष्टाचारी, भाजपा सरकार ने दावा किया था कि हम भ्रष्टाचारी को जड़ से खत्म करेंगे, लेकिन प्रदेश भर में जहां सरकारी तंत्र है, कोई भी कार्यालय है, उस पर भ्रष्टाचारी चरम सीमा पर है, जिसके चलते अब की बार इलेक्शन में भाजपा सरकार को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। और एक दीमक की तरह समाज और खनगाम भ्रष्टाचार कर रहा है। और किसान का गन्ने का भाव सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से 14 दिन में उसका बकाया भुगतान होना चाहिए। और जितने भी बिजली विभाग हैं, बिजली विभाग में जो बिजली की दरें बहुत ज़्यादा बढ़ा दी गई हैं, और कहीं भी बिना सुविधा शुल्क के काम नहीं हो रहा। हमारा सरकार से कहना है कि बिजली जो है वो आधे दाम मिले, किसान को नलकूप की बिजली फ्री दी जाए, और जो बिजली है उसमें 50% वो किसान को छूट दी जाए, डीजल में छूट दी जाए, डीजल भी आधे रेट दिया जाए, जो खाद है डाई है उनके रेट सस्ते किए जा। तो ऐसे कई मुद्दों को लेकर के भारतीय किसान यूनियन तोमर 19 अक्टूबर को विधानसभा लखनऊ में एक धरना प्रदर्शन